डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, क्या है कारण, ये बताने के लिए मौजूद है नेहा आनंद। बताइए नेहा। देखिए डॉलर के मुकाबले रुपए में हमने तेज गिरावट आते हुए देखी इस हफ्ते, लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन एक कमजोर ओपनिंग देखने को मिली। डेढ़ महीने के निचले स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपया चला गया और अगर इस पूरे हफ्ते की अब तक बात की जाए यानी कि 3 तारीख से लेकर अब तक, तो 1% से ज्यादा की कमजोरी रुपया डॉलर के मुकाबले दिखा चुका है। अब समझने वाली बात यह कि आखिर ये प्रेशर बना क्यों है। दरअसल डॉलर इंडेक्स, इसको हमने देखा 103 के पास रेजिलिएंट बना हुआ है, लेकिन मुख्यतः जो फैक्टर है वो ये है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के जो जून महीने की मीटिंग के फेड मिनट्स जारी हुए उसमें ये बात साफ तौर पर निकल कर आई कि आगे भी अभी ब्याज दरों को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि महंगाई की जो दर है वो उनके टारगेट लेवल से अभी भी ऊपर बनी हुई है। पहले लग रहा था शायद एक ही रेट हाइक में हो जाएगा, लेकिन अब ऐसी बात निकल कर आ रही है कि 2 या उससे अधिक ब्याज दरों में बढ़ोतरी लगने वाली है। इस फैक्टर के चलते हमने देखा एशियन मार्केट्स, एशियन करेंसी सब पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। फिर चाहे आप युआन की बात करें, येन की बात करें या दूसरी बड़ी करेंसीज की भी बात करें, वो भी डॉलर के सामने प्रेशर में आ गई। इसके अलावा हमने देखा और भी जो अमेरिका में आर्थिक डेटा निकल कर आए हैं वो काफ़ी रेजिलिएंट है, मजबूत है। अब नॉन फार्म पेरोल डेटा पर नज़र रहेगी, लेबर मार्केट पर नज़र रहेगी, उसके संकेतों से ये पता चलेगा कि आगे फेडरल रिजर्व क्या रणनीति अपनाने वाला है। लेकिन बॉन्ड्स पर अगर नजर डालें, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो 4% के पार चली गई है, 2 साल की बॉन्ड यील्ड 16 साल के उच्चतम स्तर पे है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो रुपए पर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रेशर अब जल्दी खत्म हो जाएगा, लगता नहीं, क्योंकि हमने जितने एक्सपर्ट से यहाँ पर बात की है वो मानते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों तक, मान लीजिए कि एटलीस्ट जुलाई तक यहाँ पर प्रेशर और जारी रहने वाला है। किडिया कमोडिटीज मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर 83-83 तक रुपया कमजोर हो सकता है डॉलर के मुकाबले। उतना ही लेवल मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी निकल कर आया है। जेएम फाइनेंशियल और एनबीडी एमिरेट्स तो मानते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में या महीने के आगे भी आपको 83-84 के लेवल्स के लिए तैयार होना चाहिए। तो बॉटम लाइन यही है कि रुपए में कमजोरी अभी कुछ समय और जारी रहने वाली है।